राजस्थान यूनिवर्सिटी में हाल ही में छात्र संघ चुनाव बहाल करने के लिए छात्रों ने यूनिवर्सिटी गेट पर प्रदर्शन किया था, जिसको पुलिस प्रशासन द्वारा बल प्रयोग करके खत्म करवा दिया था। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में कई छात्रों के हाथ पैर टूटे थे और कई छात्र गंभीर घायल भी हो गए थे। आज इसी मामले को लेकर एक बार फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी के संविधान पार्क में छात्र इकट्ठे हुए और अपने खून से मुख्यमंत्री भजन लाल को पत्र लिखा, अपने ऊपर हुए अत्याचार को लेकर न्याय की मांग की और साथ ही एक बार फिर छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की अपील भी की गई है। बता दें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों की इस मुहिम के साथ देने के लिए जोधपुर से जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र भी पहुंचे थे। जनता दरबार ने मौके पर पहुंचकर इन छात्रों से बात की और जाना कि क्या कुछ मांगे इन्होंने मुख्यमंत्री के सामने रखी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के संविधान पार्क में इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ छात्र अपने खून से मुख्यमंत्री के नाम लेटर लिखने वाले हैं। इनसे जानेंगे आपसे क्या कुछ ये पूरा मामला है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, ये छात्र थोड़ी देर में ही अपने खून से लेटर लिखने वाले हैं मुख्यमंत्री जी के नाम पे, क्या मामला है? जिस तरीके से हम पूरे प्रदेश भर के अंदर देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने एक चुनावी एजेंडे को लेकर के छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने को लेकर के प्रदेश के अंदर सरकार के अंदर आई, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लगातार जब छात्र शांतिपूर्वक मांग कर रहे हैं, वहां कहीं ना कहीं पुलिस ने जिस तरीके से परसों के दिन लाठी भांजिया और जिस तरीके से छात्र संघ चुनाव को लेकर के अभी तक कोई उपयुक्त जवाब नहीं दिया, उसी विरोध में आज जो चिट्ठी, जो खून से चिट्ठी लिख करके भजनलाल जी को ये आगाह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करवाया जाए, आगे भी हमारे को लगातार जब तक छात्र संघ चुनाव को लेकर के जब तक पूरी कवायद खत्म नहीं हो जाती, जब तक छात्र यूं ही आंदोलनरत रहेगा और सड़कों पर लड़ाई लड़ता रहेगा। विशेष सवाल यह है कि आपने पिछले साल भी काफी संघर्ष करा, पिछली सरकार के अंदर भी आपने जेएलएन मार्ग तक जाम कर दिया था और उसी कांग्रेस के अंदर कई नेता थे जो छात्र राजनीति से निकल के मेन राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी में भी कई ऐसे नेता हैं जो छात्र राजनीति से निकल के मेन राजनीति में आए हैं। क्या आपको लगता नहीं दोनों ही पार्टियां छात्रों के साथ में गलत कर रही है, क्योंकि चुनाव पिछली बार भी नहीं हुए, इस बार भी नहीं हो रहे अभी तक तो? देखो, जिस तरीके से छात्र संघ चुनाव की बात की जा रही है, जिस तरीके से हम सरकारों को लेकर के बात कर रहे हैं, पिछली बार जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हमारे को हवाला दिया गया, पूरे शासन के अंदर, प्रशासन के अंदर जो आला अधिकारी है उन्होंने कई उपयुक्त कारण बताए और उसके कारण छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ, लेकिन उसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ा। युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग उनके खिलाफ खड़ा हुआ जिसके कारण वह सत्ता से बाहर निकले। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि आज जिस तरीके से राजस्थान के अंदर हालात है, जिस तरीके से ये सरकार ना ही तो कोई स्टूडेंटों के लिए काम की, पिछली बार उपयुक्त कारण थे, विश्वविद्यालय के सभी जो कुलपति हैं उनको बुला करके, जो उस टाइम के भवानी सिंह देता जी जो सचिव थे उनसे मिलकर के उनकी बैठक हुई, उच्च शिक्षा मंत्री से मीटिंग हुई और उन सबको लेकर के ये चीजें, लेकिन आज क्या परिस्थिति है, आज लगातार विधानसभा के अंदर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनका उपयुक्त जवाब तो दो छात्र कब तक। और दूसरी ओर हम देखते इतनी तानाशाह सरकार कि राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के अंदर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को पुलिस जानवरों की तरह मारती है। यहाँ जानवर है या फिर इंसान है? यहाँ जानवर नहीं है सर, ये स्टूडेंट है और इन स्टूडेंटों को ऐसा मारना तो बिल्कुल गलत ही है। जानवर को भी कोई ऐसे नहीं मारता। किस तरीके से हाथ टूटे, किस तरीके से किन्हीं के सिर फटे, किस तरीके से पांव, और फिर उनको देर रात तक न्यायपालिका से मदद मिली, लेकिन सरकार को ऐसा रवैया बिल्कुल गलत है, इसकी भी हम निंदा करते हैं। लेकिन छात्र संघ चुनाव के लिए प्रत्येक छात्र नेता, प्रत्येक छात्र संगठन लड़ाई लड़ेगा और उनके जो पार्टी के जो संबंधित जो छात्र संगठन है वो नदारद है। सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि क्योंकि हमने भी उस दिन देखा था एनएसयूआई के तमाम छात्र थे और छात्र संघ चुनाव सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एनएसयूआई मांग कर रही है, एबीवीपी भी मांग कर रही है और भी जो छात्र संगठन है वो भी मांग कर रहे हैं, लेकिन उस दिन शायद सिर्फ और सिर्फ एनएसयूआई ही थी। उस दिन एनएसयूआई के अलावा एसएफआई के भी कार्यकर्ता थे, इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के जो छात्र संगठन है वो भी मौजूद थे, लेकिन सर जब से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भजन लाल जी से मिलकर के आए, मुंह पर ऐसी उन्होंने जिप लगाई है कि वो जिप खुली नहीं रही और वो तो बिल्कुल ऐसे भूल गए कि हमारे तो केवल हमारा काम ही नहीं है, हम तो छात्र संगठन जो छात्र संघ चुनाव होते हैं उनमें भी हम इंटरेस्टेड नहीं है। तो किस तरीके से हम देख सकते हैं
भजन लाल जी तो खुद पर्ची से बनकर के आए हैं, यहाँ पर जो छात्र संघ अध्यक्ष बनता है ना वो पर्ची से नहीं अपनी मेहनत से बनता है, यहाँ खून पसीना टपकता है उसका जब जाकर के वो छात्र संघ अध्यक्ष बनता है। ये क्या समझेंगे, ये कोई खुद ऐसे कोई हवा में उठ करके आए हैं, इनको भरतपुर से टिकट मांग रहे नहीं दी सरकार ने, किस तरीके से सांगानेर से इनको चुनाव लड़ा दिया, ये बिल्कुल और बिल्कुल एक सरकार के और जो भाजपा सरकार के कोई पिद्दी टाइप में है, उन चीजों को लेकर के ये कोई चुनाव को नहीं लड़वाना चाहते। लेकिन छात्र संघ का जो चुनाव उसमें हम देखते हैं संसद के अंदर काफी सारे छात्र नेता पहुंचे, विधानसभा के अंदर काफी सारे छात्र पहुंचे, तो हमारी पहली और उपयुक्त मांग ये है कि छात्र संघ चुनाव बेहद जरूरी है और उसके लिए छात्र प्रत्येक लड़ाई लड़ेगा। बिल्कुल, हमारे साथ एक युवा छात्र भी मौजूद है, आप देख सकते हैं इनके हाथ में प्लास्टर है, इनके पैर में भी चोट है, उस दिन आप भी इस आंदोलन में आप थे, क्या उस दिन घटनाक्रम घटित हुआ था आपसे हम सुनना चाहेंगे और अब आपकी क्या मांग। देखिए, जिस तरीके से हम परसों राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर हमारे छात्र चुनाव बहाली को लेके हमारा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, हम सरकार तक हमारी बात पहुंचाने का काम कर रहे थे, सरकार के इशारे पर, वरिष्ठ बीजेपी सरकार के इशारे पर, पर्ची सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने हमारे पे जिस तरीके से बेरहमी से लाठीचार्ज किया, हमारे को चोटें पहुंचाई, हमारे हाथ पैर तोड़े गए, हमारे कई साथियों के लठ मारे गए, हमारे को बेरहमी से जानवरों की तरह मारा गया। हम सरकार को बता देना चाहते हैं, आप लठ मार करके पुलिस को आगे करके हमारा हौसला नहीं तोड़ सकते, हमारी आवाज़ को नहीं दबा सकते। जब तक प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव बाल नहीं किए जाते, हम इसी तरह प्रदेश की सड़कों पर संघर्षरत रहेंगे और किसी भी हाल के अंदर प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव बहाल करवा के मानेंगे सरकार को। हम आज आप ये जो खून से एक लेटर आप लिख रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम, तो उस लेटर में क्या कुछ मांगे आपकी तरफ से की गई और खून से लिखने का क्या कारण है? देखिए, हम प्रदेश की सरकार को हमारे खून से लेटर लिख के ये बता देना चाहते हैं कि हम कमजोर नहीं हैं, आप हमारे को लठ मार रहे हो तब भी हम रक्त बहा रहे हैं, अब हम शांतिपूर्ण तरीके से उनको हमारे खून से लेटर लिख के उनसे ये मांग करना चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव की बहाली करे और जल्द से जल्द इसकी घोषणा करके प्रदेश के पूरे छात्रों को राहत पहुंचाने का काम करे। इष्ट भारत सरकार पुलिस प्रशासन को आगे करती है, छात्रों को पिटवाती है, ये बड़ा गलत रवैया है। सरकार को चेता देना चाहते हैं, सरकार को बता देना चाहते हैं, हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम किसी भी हाल के अंदर प्रदेश के अंदर जब तक छात्र संघ चुनाव बाल नहीं होंगे हम एक कतरा कतरा खून बहाएंगे, प्रदेश की सड़कों पर संघर्षरत हो जाएंगे, पुलिस प्रशासन को आगे करेगी तो पुलिस की लाठी से लाठी बजा देंगे, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, किंतु हम प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव की बाली करवा कर मानेंगे। ये प्रदेश की पूरी छात्र शक्ति लामबंद है, ये प्रदेश की पूरी छात्र शक्ति एकजुट है, ये राजस्थान विश्वविद्यालय से क्रांति चली है, ये पूरे प्रदेश के अंदर प्रज्वलित होकर चलेगी, ये पूरे प्रदेश की सड़कों पर छात्र संघर्षरत होगा, प्रदेश की सरकार को किसी भी हाल के अंदर प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव बाल करवाने पड़ेंगे। हम इसकी पुरजोर तरीके से जो हमारे पे लाठीचार्ज हुआ, मेरा हाथ टूटा, मेरे साथियों के कई सारे लोगों के फ्रैक्चर आया, उसकी भी हम सरकार से बोलना चाहते हैं कि आप हमारे हाथ तोड़ सकते हो, हमारे पैर तोड़ सकते हो, हमारे हौसले को आप कभी नहीं तोड़ सकते, हम लड़ेंगे, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, हम किसी भी दम पर सरकार से लड़ते रहेंगे और हमारी मांग को मनवा के हम एक दिन ऐसा आएगा कि हम जीतेंगे और प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव की बहाली होगी। बिल्कुल, आपने सुना जिस प्रकार से इनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये अपने आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं ये सारा ये सामान ये यहाँ पर लेकर आए हुए हैं, जिसमें अभी यहाँ पर ये एक नर्सिंग स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है, ऐसा नहीं है कि छात्र अपने मनमर्जी से अपने हिसाब से ब्लड यहाँ पर निकालेंगे, एक नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर मौजूद है जो इनको छात्रों की मदद करेगा, उसके बाद में इस ब्लड से ये मुख्यमंत्री जी के नाम पे एक लेटर लिखेंगे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि छात्र संघ चुनावों की बहाली को लेकर अगर शांतिपूर्ण ढंग से यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर जो प्रदर्शन चल रहा था तो फिर क्या ऐसी वजह थी कि पुलिस प्रशासन अंदर आया और छात्रों को लाठियों से मारता हुआ घसीटता हुआ बाहर लेकर गया और उस मारपीट में उस हाथापाई में कई छात्रों के हाथ टूटे, कईयों के सर टूटे, कईयों के अंदरूनी चोटें आई हैं। एक छात्र हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उस दिन आपके साथ भी काफी धक्का मुक्की हुई, मार पिटाई हुई, क्या?
देखिए पुलिस का जो व्यवहार था 18 जुलाई को वो बहुत निंदनीय है, बहुत घटिया व्यवहार था पुलिस का। इस प्रकार के व्यवहार, ये ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ गेट पे मारा है। अब सबसे बुरा व्यवहार तो हुआ था कि जब हमें बस में डाला गया, उसके बाद चलती बस में लगातार मालवीय नगर थाने तक लगातार पुलिस वालों ने हमें वहां ब्लॉक करके भयंकर तरीके से मारपीट किया। हमारे चोटे हैं चारों तरफ, अब आप दिखा नहीं सकते, हर तरफ यहाँ आगे पीछे हर जगह चोटे हैं। तो बहुत बर्बरता पूर्वक व्यवहार था इस पुलिस का, और इस ऐसे रवैये की हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और इसी रवैये के खिलाफ आज हम सरकार हमारा खून निकाल रही है, खून निकालने पे तुली हुई है। तो इसी के विरोध में हम इस सरकार को खून देने आए हैं कि हमारा खून निकाल लो, भले ही आप हमें हत्या कर दो, लेकिन हमें चुनाव करवा दो किसी भी सूरत में। क्योंकि सरकार सिर्फ अपनी तानाशाही, अपनी दादागिरी के चलते चुनाव नहीं करवा रही है, नहीं बाकी सरकार के पास एक भी रीजन नहीं है चुनाव नहीं करवाने का, कोई कारण नहीं है। सरकार चाहे तो आसानी से कल ही घोषणा कर दे, जुलाई अगस्त के लास्ट वीक में आराम से चुनाव करवा सकती है, लेकिन सिर्फ सरकार अपनी तानाशाही के चलते नहीं करवा रही। सरकार को चेताना चाह रहे हैं कि आप हल्के में नहीं लेना, हमें वो छात्र हैं जो क्रांतियां हुई है वो नौजवानों ने की, और हम क्रांति करने के लिए तैयार हैं। जब अभी आप एक दो दिन का टाइम और है आपके पास, आपने घोषणा नहीं की, तो इससे भी बड़ा उग्र रूप एक नौजवान का देखने को मिलेगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक मांगने से नहीं मिलेगा, हक छीनने से मिलेगा, तो अब छीनने के लिए तैयार है। मांग बहुत लिया, दे नहीं रहे, अब छीनेंगे। आपने जिस प्रकार से देखा कि अब इन छात्रों ने साफ कर दिया है कि अब छात्र संघ चुनाव जब तक बहाल नहीं होंगे, सरकार के खिलाफ जो इन्होंने आवाज परसों के दिन उठाई थी और उसके बाद में इन्हें घसीटते हुए, मारते हुए, पीटते हुए यहाँ से लेकर गए, जिनकी चोटों के निशान आप इनके चेहरे पर भी, इनके हाथ पैरों पर भी देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर खून निकलना अब शुरू हो चुका है। ये छात्र अपना खून यहाँ पर निकाल रहे हैं, उसके बाद में इस ब्लड को एक, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक पेन एक ये लेकर आए हैं, उस पेन के अंदर इस ब्लड को ये भरेंगे और उसके बाद में पेपर पर इस ब्लड से मुख्यमंत्री जी के नाम एक लेटर लिखेंगे, जिसमें इनकी साफ तौर पर ये मांग है कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो। और जिस प्रकार से प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने इनके साथ में बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, तो उस कार्रवाई के खिलाफ भी ये छात्र उस लेटर में लिखने वाले हैं, इनको न्याय चाहिए। कि हमारे साथ में जब हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे यूनिवर्सिटी गेट के अंदर, तब क्यों पुलिस प्रशासन अंदर आया और इनके साथ में मारपीट करते हुए, इन्हें घसीटते हुए जीप में भरकर, बस में भरकर लेकर गया। और इस छात्र का ये साफ तौर पर ये कहना है कि न सिर्फ इन्होंने यूनिवर्सिटी के गेट पर इनको मारा, बल्कि मालवीय नगर, इस छात्र का कहना है कि मालवीय नगर उस बस में भरकर इनको लेकर गए थे, और इस बस में भी इन्हें मारते हुए लेकर गए, जिनके निशान इनके शरीर पर है वो निशान ये दिखा नहीं सकते। लेकिन आज उसी कार्रवाई के विरोध में और छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर ये तमाम छात्र यहाँ पर बैठे हैं और मुख्यमंत्री के नाम खून से एक खत लिखेंगे। और इनका साफ तौर पर कहना है कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं हो जाते। आपको हम बता दें कि ये तमाम यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पर बैठे हैं, आंदोलनरत हैं। पहले भी इन्होंने आंदोलन किया था, तब इनके साथ में मारपिटाई हुई थी। हमारे साथ में एक महिला भी यहाँ पर मौजूद है। मैम, आज ये लोग यहाँ पर तमाम जो छात्र जो परसों उस दिन बैठे थे, इनको मारपीट करके घसीट के यहाँ से लेके गए, कईयों के हाथ टूट गए, वो भी यहाँ पर बैठा है, कईयों के अंदरूनी चोटें आई हैं, वो दिखा नहीं सकते। और आज उसी छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग को लेकर, और क्योंकि उस दिन पुलिस ने इनका खून बहाया, इसीलिए उसी खून से ये मुख्यमंत्री के नाम एक लेटर लिख रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, प्रदेश में पिछले एक वर्ष से छात्र संघ के चुनाव बंद पड़े हैं, जिसको लेके हमने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से इस छात्र रक्त क्रांति की शुरुआत की थी। कि इस तरीके से हम सरकार को चेताएं और उनका ध्यान आकर्षण हमारी तरफ करें, और आज उसी क्रांति से जुड़ने के लिए हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी भाई शामिल हो रहे हैं उसमें। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही अपील करती हूँ कि ये हमारा हक और अधिकार है छात्र संघ के चुनाव, और इसको आप मद्देनजर रखते हुए थोड़ा अपना ध्यान हमारी तरफ आकर्षित करके आप उचित हमारे हक में हमारे अधिकारों की ओर फैसला लें और छात्र संघ के चुनाव जल्द से जल्द बहाल करके घोषणा करें। जोधपुर से आप आते हैं, जोधपुर से ही पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत आते हैं और राजस्थान के कद्दावर नेता बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत आते हैं। दोनों से आपने बात करी होगी, पिछली सरकार में गहलोत जी से बात करी होगी, इस सरकार में गजेंद्र जी से भी जरूर बात करी होगी, दोनों का क्या कहना? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि छात्र संघ के चुनाव हो, क्योंकि वो दोनों छात्र राजनीति के जरिए ही मुख्य धारा की राजनीति में आए हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा, जोधपुर से जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से भी कुछ छात्र यहां पर आए हैं और इनकी एक ही मांग है, इन
न सिर्फ जोधपुर से जो छात्र हैं उनकी भी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र जो उस दिन भी आंदोलनरत थे, इनकी यही एक मांग है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाए, अन्यथा इन छात्रों का ये संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। और खून से जो मुख्यमंत्री को खत लिखने की जो बात है, उसका जो स्थान इन्होंने चुना है वो संविधान पार्क चुना है, और संविधान पार्क इसलिए इन्होंने छात्रों ने चुना है क्योंकि संविधान भी इन छात्रों को हक देता है छात्र संघ चुनाव का, और जब संविधान में इनका हक है तो फिर किस हक से इनके ये छात्र संघ चुनाव रुके हुए हैं। इसी मांग को लेकर ये छात्र लगातार प्रदर्शन रहते हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं हो जाते हमारा आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।